तो नगमा, जी वैसे मेरे फ्रेंड्स और फैंस मुझसे बहुत बार ये पूछ चुके हैं कि आप अपने बैग्स और शूज़ कहाँ से लेते हैं, तो आज इसलिए मैं आप सबको लेके आई हूँ मेरी फेवरेट शॉप में। कहा जाए तो लोखंडवाला के वन ऑफ द वेरी फेमस एंड माय पर्सनल फेवरेट शॉप, जिसका नाम है माय गैलरी द स्टूडियो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेराइटीज ऑफ शूज़ हैं और इतने सारे सुंदर सुंदर बैग्स हैं। तो मेरे जितने भी कलेक्शंस हैं आज तक, बिकॉज बेसिकली आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस गर्ल, तो मैं ज़्यादातर अपने शॉपिंग बैग्स शॉप में आइए। क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और थोड़ा सा अगर शॉप के बारे में बताना चाहे, क्या स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करना पसंद करते हैं? मुझे एक्चुअली क्लासी दिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई एम मोर इनटू स्पोर्टी लुक्स। तो वैसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि आप बैग्स कहाँ से लेते हैं, एंड स्पेशली जो मेरे शूज़ के कलेक्शन हैं उनको काफ़ी पसंद आता है। तो तभी आज मैं आप सबको लेके आई हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट शॉप लोखंडवाला में, इट्स कॉल्ड माई गैलरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत वेराइटीज़ ऑफ शूज़ है,
बैग्स है जो मैंने अभी यहाँ से परचेज किया है, एंड दैट्स इट. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शॉप जहाँ से मैं फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करती हूँ. राइट, जैसे आपने यहाँ पर पर्स देखे सारे, तो अगर आपके पर्स में, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रही है, तो ऐसी क्या तीन चीज़ें आप बिल्कुल नहीं भूलती कैरी करना? ओके, दैट्स माई वॉलेट जिसमें पैसे रहते हैं, एंड देन माई ATM, एंड अगर मेकअप के लिए पूछोगे देन इट्स माई काजल. आई लव काजल. ओके, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहे? ज़रूर, क्यों नहीं. अभी तो फिलहाल पाइपलाइन में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं. मैं वेब सीरीज कर रही हूँ, मैं प्रोडक्शन का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, बट इट्स वन ऑफ द रेनाउंड प्रोडक्शन हाउसेज इन मुंबई, यू कैन से. तो उनके साथ मेरा दो वेब सीरीज मैंने साइन किया है. आई एम डूइंग अ शॉर्ट फिल्म नेम ख्वाहिशे. फिर मेरा म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है दिल जानिया. और फिलहाल मैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं आसाम से हूँ. तो अभी फिलहाल मैं नेक्स्ट वीक एसमीज कैलेंडर के लिए शूट कर रही हूँ. तो ये सारी चीज़ें अभी आ रही है सबके लिए. तो एज एन एक्टर आप किसे सबसे ज़्यादा फॉलो करती है, जो आपका इंस्पिरेशन हो बॉलीवुड में या फिर मतलब कोई भी इंडस्ट्री में, अगर आप शेयर करना चाहें? आई लव काजोल. आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ काजोल. मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ एक्टिंग में, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आजकल काफ़ी न्यू कमर्स भी आ रहे हैं, बट नॉट टू अंडरस्टिमेट एनी वन, सब अपनी जगह पे बेहतर हैं. लेकिन मेरे बारे में अगर आप पूछो तो पर्सनली आई जस्ट लव काजोल, एंड बहुत इच्छा है मेरी, एंड आप सबकी दुआ रही बरकरार, तो मैं बहुत जल्द उनके साथ भी शायद स्क्रीन शेयर करूँ. तो आई फॉलो काजोल. राइट, जैसे आप आसाम से हैं, आसाम में भी बहुत अच्छे अच्छे बनती है, लेकिन ऐसे क्या चीज़ थी जो आपको बॉलीवुड की तरफ खींच के ले? एक्चुअली मुझे इंडस्ट्री में 12 साल हो गए कहने को, तो मैं बचपन से ही एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ. लाइफ में कभी मैंने सेकेंड ऑप्शन नहीं रखा. जैसे कि आप देख सकते, बहुत लोग सोचते होंगे कि चलो ये कर लेते हैं, ये नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन. मैंने बचपन से एक ही सपना देखा कि मुझे अभिनेत्री बनना है, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनना है, तो मैंने उसी के लिए काम किया. आई स्टार्टेड विथ मॉडलिंग, एंड देन मैंने डांस भी सीखा, मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ. फिर मैंने आसाम में थिएटर किया, काफ़ी एपिसोडिक सीरियल्स किए मैंने, फिर डॉक्यूमेंट्रीज भी वहाँ पे मैंने किया. तो वहाँ के बाद जब मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, देन आई थॉट कि चलो अब थोड़ा पंख को फैलाया जाए और आसाम से किसी और जगह जाया जाए, क्योंकि आसाम में काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, फ़ैन फॉलोइंग्स मेरे बहुत है, सभी लोग मुझे प्यार करते हैं. तो अब मैं ये चाहती हूँ कि पूरे इंडिया वाले, पूरी दुनिया वाले नगमा अख्तर को एक्सेप्ट करें. तो बस अब यही ख्वाहिश है कि सबके दिल में हम जगह बना सके एज एन गुड आर्टिस्ट, और सबकी दुआएं चाहिए. साउथ में भी आपने काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है जी, और बंगाली में भी काम किया जी. कितना मुश्किल होता है तीनों फॉर्मेट या जितने भी आप अलग अलग लैंग्वेज में काम करती हैं, तो किस तरह से डरती हैं, कितनी मेहनत करती हैं उसके बाद? खैर, मेहनत तो कभी ख़त्म होती नहीं है. जैसे कि आपको पता होगा कि सुबह से लेकर शाम तक एक आर्टिस्ट के लिए मेहनत ही मेहनत है. तो एक्चुअली कहा जाए तो इंडस्ट्री एक ही होता है, तरीके अलग होते हैं. जैसे कि आप एसमीज इंडस्ट्री बोलिए या फिर साउथ बोलिए या मुंबई, मतलब हर इंडस्ट्री सेम होता है. कैमरा एक ही तरीके से फेस करना होता है, हर इंडस्ट्री में वॉइस मॉड्यूलेशन देना होता है, वेराइटी, यू नो. बट क्या होता है, तरीके अलग होते हैं. जैसे कि अब आसाम, अभी एसमीज फिल्म इंडस्ट्री बहुत नाम कर रही है, बहुत तरक्की अभी कर रहे हैं, बट दैट टाइम जब हम लोग छोटे थे तब इतने स्टेज पर नहीं थी एसमीज इंडस्ट्री. तो फिर अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी मतलब बहुत बड़े बड़े स्टारकास्ट के साथ एसमीज मूवी बन रही है, और अभी प्रियंका चोपड़ा जी ने भी ये डिक्लेयर किया है कि वो एसमीज मूवी बना रही है, क्योंकि वो हमारे आसाम टूरिज्म से ब्रांड एम्बेसडर है. ऊपर से फिर मैं साउथ में भी गई, वहाँ पे भी बहुत प्रोफेशनलिज्म था, और मुंबई तो मुंबई है. तो वही सब में सेम एक्सपीरियंसेस है, और जैसे मैंने बोला कि मेहनत कभी ख़त्म नहीं होती, तो पूरी ज़िंदगी मेहनत है, सुबह से शाम मेहनत है, और बस मेहनत ही रंग लाती है. अगर स्पेसिफिकली हम बॉलीवुड की बात करें, तो ऐसा कोई ड्रीम एक्टर या ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहिए? संजय लीला भंसाली सर. मैं ही लाइक आई ड्रीम, मैं रात को सोते सोते कभी सपने भी देखती हूँ कि कभी मैं उनके साथ मूवी में काम कर रही हूँ. और लिटरली अगर कभी मुझे मौका मिले कि मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम करूं, मैं संजय सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ कभी मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके साथ काम कर सकूं. और क्योंकि बात यह है कि काम किसके साथ करना नहीं, इट्स ऑल अबाउट तजुर्बे. मुझे पता है कि मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे, और जैसे आपने देखे होंगे उनकी मूवीज़, बाजीराव मस्तानी हो गया, पद्मावत हो गया, ये सब हमें कुछ सिखाती है, बहुत मैसेजेस देते हैं अलग अलग तरीके से, बहुत अच्छे मैसेजेस देते हैं. तो इट्स अ ड्रीम कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करने का.
तो आप ब्यूटीफुल तो दिखती है लेकिन आप काफी फिट भी है, तो फिटनेस के लिए क्या करती है आप, और अगर कुछ टिप्स शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? सबसे पहले बहुत शुक्रिया. एक्चुअली जैसे कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, आप सबको पता होगा कि ये खूबसूरती ही सब कुछ होता है, बीइंग फिट इज़ एवरीथिंग. वैसे पहले मैं इतनी फिट नहीं थी, अगर मैं आपको बहुत अंदर की बात शेयर करूँ, आई वॉज 90 किलो. तो बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम थायराइड, तो मेरे लिए वो जो मेरा एक साल था, इट वॉज लाइक इन टू डार्कनेस. तो मैंने वो ड्रीम छोड़ दिया था कि मैं कभी इंडस्ट्री में काम कर पाऊँगी. बट फिर अगेन मैंने सोचा कि वाई टू लूज होप, मतलब हारना क्यों, क्योंकि मुझे इसी इंडस्ट्री में, इसी सेक्टर में अपना नाम करना है, नाम कमाना है, पूरी दुनिया को ये बोलना है कि यस नगमा अख्तर इज़ अ गुड एक्ट्रेस. तो उसके लिए बस मैंने अपना जिम हिट किया, अपने प्रॉपर डाइट मैंने फॉलो की, और बस रोज़ का ये 2 टाइम का जिम का रूटीन होता है कि डाइट फॉलो करो और वर्कआउट करो. और जैसे कि मैं बहुत फूडी भी हूँ, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, और सबको पता होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, असमीज एंड बंगालीज, तो फिश एंड राइस के बिना वो रह नहीं सकते. तो मुझे, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे वो राइस और फिश त्याग करना पड़ा, बट फिर भी मैंने उसको सेक्रीफाइस किया, तो मुझे आज ये मिला. और बाकी स्टिल जर्नी इज गोइंग ऑन, चल रही है. जाते जाते कोई फैशन टिप शेयर करना चाहेंगे हमारी? आप क्या फॉलो करती है, और अगर कुछ टिप्स देना चाहें हमारी ऑडियंस? ड्रेसिंग टिप्स अगर मैं आपको ये देना चाहूँगी कि बी कैजुअल, वेयर लूज टॉप्स. स्पेशली कलर्स की बात हो तो गो फॉर लाइट कलर्स, लाइक स्पेशली वाइट हो गया, लाइट पीच हो गया, बिकॉज यू नो डोंट गो फॉर टू डार्क कलर्स, क्योंकि वो आँखों में छुपती है. तो बी कैजुअल, बी नॉर्मल, एंड डिपेंड कि अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर आप कहीं जा रहे हो, वेदर इट्स फॉर शॉपिंग हो, आप जिम हो, या कोई भी मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, ट्राई टू बी वेरी नॉर्मल. कीप लाइट मेकअप, जस्ट बेस और काजल लगा लिया, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर पार्टी देन ट्राई टू लुक सेक्सी एंड हॉट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन. ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke sath apne aap chalti hai, aur hum kya roshni dalenge uske upar. Ek bahut hi acha vishay hai is film ka. महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस.